जब तक आदमी के अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, तो उससे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा भाव रखना बेकार है। जो आपदाएं आती हैं वो इस कारण भी आती हैं कि आप अपने स्वार्थ के लिए देश का शोषण कर रहे हैं, न केवल प्राकृतिक संसाधनों का, आप मानव संसाधनों का भी शोषण कर रहे हैं। पौधा लगाने का फैशन चल पड़ा है, लोग फोटो खिंचाते हैं, लेकिन पौधा जिंदा है या मर गया उसके बारे में किसी प्रकार का कोई सोच नहीं। युवाओं को शिक्षा तो दे दो मगर उसको रोजगार के अवसर मत दो। ये पॉलिसी हमारे राजनेताओं की चलती आएगी और चलती रहेगी जब तक कि हमारा वोटर, जो कि खास तौर पर जिसमें काफी बहुत संख्या में युवा खुद है, वो ये ना समझे। नमस्कार, स्वागत है आपका टैलेंटेड इंडिया की इस खास पेशकश में। जब भी बात पर्यावरण को बचाने की आती है तो निश्चित रूप से इस धरती को हरा भरा रखना हम सभी का दायित्व हो जाता है। पर्यावरण को किस तरह से हरा भरा रखा जा सकता है, पर्यावरण का किस तरह से संरक्षण किया जा सकता है और किस तरह से टेक्नोलॉजी के जो नए नए आयाम रोज स्थापित हो रहे हैं उन आयामों को इस्तेमाल करते हुए इस पृथ्वी को बचाने की जो कवायदें तमाम सारे पर्यावरणविद और तमाम सारे सामाजिक लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज की जरूरत भी इस बात को महसूस करती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसी ही दो शख्सियत मौजूद हैं जो पर्यावरण को आगे ले जाने के लिए अपने अपने तरीके से एक नई कोशिश करने में जुटे हुए। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश शर्मा जी, जो इंदौर में एक संस्था चलाते हैं और निश्चित रूप से ट्री ग्रो, ये संस्था अपनी तरफ से मानव निर्मित जंगलों को स्थापित करने में और पर्यावरण को बचाने में एक अग्रणी भूमिका निभा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश भट्ट जी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ हैं, IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं और निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जोड़ा जाए, उन्हें रोजगार, उन्हें सामाजिक सरोकार और कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने में उन युवाओं की क्या भूमिका हो, इसके लिए कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भट्ट साहब आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कई वर्षों से एक मिशन आपने बनाया है, एक ध्येय आपका है, युवाओं के लिए आप काम कर रहे हैं, किस तरह से इस पहल की शुरुआत हुई और कैसे जो आपका ये प्रकल्प है इससे लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया और फिर ये पूरे देश में फैला? आतंकवाद का जो रूप हमने जम्मू कश्मीर में देखा और जिसकी वजह से बाकी युवा जो अलगाववाद की तरफ खींचे चले आ रहे थे, आप अगर देखेंगे कि हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है या ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे अलग अलग किस्म के अलगाववाद, सेपरेटिज्म, नक्सलवाद, माओवाद जो कि दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे जो युवा है वो उस तरफ खींचे ना चले जाएं, तो हमने एक ये अपना एक ध्येय बनाया कि मेरा जो जीवन है वो मुझे अपने आप को बनाने के लिए ही समर्पित नहीं करना है, मुझे अपने देश के लिए भी समर्पित करना है। और जो कश्मीर का युवा जो भटक गया था और जो आतंकवाद की तरफ चला गया, अब उसके भटकने के क्या कारण है, उसमें राजनीतिक कारण भी है, वहाँ फिर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ऐसे देश के जो अलग युवा अलग प्रांतों में रह रहे हैं, मेरा मानना था कि मेरा जो भारत देश है वो उसका उत्तर पार, दक्षिण और पश्चिम मोर और लेस डेवलप्ड है, लेकिन जो पूर्व पार्ट है, पूर्वांचल है, वो अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हाईली एक्सप्लॉयटेड है, शोषित है, और वहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, वो हाईली अनएक्सप्लॉयटेड है, उसका वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए मैंने वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स है उसको भी कैसे यूज़ में लाया जाए और वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी, उसका शोषण कैसे कम से कम किया जाए, उसको मैं माओवाद की तरफ, नक्सलवाद की तरफ जाने से रोकूं, ताकि जो चीज़ मैंने कश्मीर के युवाओं के हाथों से झेला है वो मेरे देश के अन्य लोग न झेलें। तो मैंने 2009 में एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम है EESP। तो मैंने अलग अलग जो मेरे मित्र लोग हैं उनके साथ मैंने अपने आप को जोड़ा, जैसे हमारे सतीश जी हैं, तो सतीश जी ने जो प्लांटेशन में जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है अपने ग्रुप के साथ, तो इन्होंने हमको बोला कि हमारा जो ग्रुप है, इनका जो ग्रुप टी ग्रो है, हम आपके ग्रेड के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इस विषय में हमने दोनों ने हाथ मिलाया कि आपकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया इस चीज़ को एंश्योर करना चाहते हैं, ताकि
ये टेक्नोलॉजी जो भारत का युवा भी सीखे, न केवल वो अपने रोजगार के अवसर पैदा करे बल्कि अपने देश की प्रकृति को भी बचाए, उसको सेव करे, क्योंकि देश की प्रकृति बचेगी, पर्यावरण बचेगा। जो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे एक फॉरेस्ट माफिया भी चल रहा है, आज केरल में बाढ़ आई, उसकी रिपोर्ट भी आपने सुनी होगी। तो उसकी रिपोर्ट आज से 5 साल पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई ऐसे हालात आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जंगलों की कटाई शुरू होनी चाहिए, सी शोर्स जो है वो बिल्कुल नेकेड हो गए थे और वहाँ पे भूमि का कटाव होना शुरू हो गया था। तो ये आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। जो त्रासदियाँ आती हैं, जो आपदाएं आती हैं, वो इस कारण भी आती हैं कि आप अपने स्वार्थ के लिए देश का शोषण कर रहे हैं, न केवल प्राकृतिक संसाधनों का, आप मानव संसाधनों का भी शोषण कर रहे हैं। और उस पर राजनेता हमारा महात्मा गांधी का फॉर्मूला अपनाए हुए है कि आंख बंद करो जैसे वो कोई बुरी चीज़ है, मुंह बंद करो कहना कुछ नहीं है, सुनो भी मत देखो भी मत। तो वो जो 5 साल की रिपोर्ट को आपने आंख मूंद ली, उसका ये भयावह रूप आपने देख लिया। सर सतीश शर्मा जी, आप चूंकि टिग्रो करके एक संस्था चलाते हैं और निश्चित रूप से पूरे भारत में इस संस्था के माध्यम से काम किए जाने की आपकी मंशा है, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से प्रोफेसर साहब चूंकि एक टेक्नोक्रेट हैं, आप पर्यावरणविद हैं, किस तरह से दोनों मिले और कैसे फिर ये शुरुआत हुई और अब कहाँ तक इस संस्था को ले जाने का विचार है? देखिए, परमात्मा की जब कृपा होती है तो ही कोई मिलन होता है, और ये परमात्मा की कृपा का ही ऐसा श्रेष्ठ अवसर हम लोगों के साथ में आया और हमारी इस मुलाकात को हम एक मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत है। हम मजदूर हैं, काम कर सकते हैं जमीन पर, बिल्कुल सही, और इनके पास तरीका है जिससे पूरे देश के अंदर हम जो एक पवित्र काम कर रहे हैं, पौधा लगाने का फैशन चल पड़ा है, लोग फोटो खिंचाते हैं लेकिन पौधा जिंदा है या मर गया उसके बारे में किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है। अब आप बताइए कि पौधा अगर लगा और मर गया तो क्या काम का? सही है। टीग्रो संस्था का एकमात्र लक्ष्य और ध्येय है कि जो भी पौधा हम लगाएंगे वो जिंदा रहेगा। बीज या पौधा जब तक वृक्ष नहीं बन जाएगा तब तक हम उसको देखभाल करेंगे और उसको इस स्वरूप में परिणित करेंगे। ये काम मेरे मित्र भानु पटेल के माध्यम से सन 2012 से कर रहे हैं। मानव निर्मित जंगल बना रहे हैं। ऐसा सघन जंगल जो 100 साल में बनता है वो 10 साल में बनेगा और जो 10 साल में बनता है वो 2 साल में बनेगा। और हमने तो हमारे जीवन के हर क्षण को, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, उसमें पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, चाहे जन्मदिवस हो, चाहे शादी की सालगिरह हो। या एक इतना बड़ा अनुकरणीय उदाहरण हम लोगों ने शहर के अंदर पेश किया है कि मेरे मित्र भानु भाई की बच्चे की शादी के अंदर आने वाले मेहमानों से किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं लिया और 11,111 पौधे लगाए 25 फरवरी 2018 को। छेंज का पौधा भट्ट साहब ने आज देखा है वो 6 से 8 फीट हो चुका है और 100% सारे पौधे जिंदा है। इस प्रदेश के अंदर 6 करोड़ पौधे लगे, बहुत चर्चाएं हुई, बिल्कुल सही, लेकिन क्या हुआ? आप सब जानते हैं पौधे जीवित न होने के कारण 6-6 मंत्री बनाना पड़ते। उसी समय में हमने एक जंगल राला मंडल इंदौर में लगाया, वो आज 10 से 20 फीट ऊंचा है, घना जंगल 10,000 पौधों का। तो सार्थक काम करने का हमारा प्रयास है। भट्ट साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि यूथ के सबसे ज्यादा कनेक्शन में आप हैं, टच में आप हैं, आज का युवा पर्यावरण को लेकर क्या सोचता है और यदि हम प्रयास करें तो किस तरह से युवाओं की भूमिका होनी चाहिए पर्यावरण के लिए? आपने कहा कि आज का युवा एनवायरनमेंट से कैसे अपने आप को जोड़ता है, वो जोड़ना चाहता है लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो टीग्रो और ग्रेट, हम लोगों ने ये निश्चय किया है जब हम पैन इंडिया जाएंगे हम देश के युवाओं को भी अपने साथ जोड़ेंगे, और जब हम देश के युवाओं को अपने साथ लेके जाएंगे तो देश की काफ़ी सारी समस्याएं प्रकृति को फिर से पुनः स्थापित करने के बाद सॉल्व हो जाएंगी समस्या। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखिए भूकंप आए कब आए ये आप नहीं बता सकते, वो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन बाढ़ हर साल आती है ये आपको पता है,
फिर भी अरबों रुपयों का नुकसान आप झेलते हैं हर साल, न केवल उस तबाही से, त्रासदी से, बल्कि उसको मेंटेन करने से, रिस्टोर करने के बाद भी आप अरबों करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं और उस पर राजनीति करते हैं कि इसका पैसा लेंगे, उसका नहीं लेंगे, उसका लेंगे, इसका नहीं लेंगे, तो ये सब ड्रामा चलता रहता है। बाढ़ आना कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज है, हर कोई जानता है, तो उसके लिए आपने कभी कोई प्रयास किया क्या? उसी युवाओं को जब, उस युवाओं को जब आप बाढ़ आने के बाद रिलीफ के लिए बेचते हैं, तो वो आपदा से पहले आप उसको, वो बाढ़ ना आए उसके लिए क्यों नहीं प्रोत्साहित करते, वो एंटरप्राइजेस क्यों नहीं खोलते आप कि बाढ़ ना आए? तो टी ग्रो हमारा जो इनिशिएटिव ये है कि जब हम प्रकृति को पुनः स्थापित करेंगे तो प्रकृति अपने सरल निर्मल रूप में जब रहेगी तो सबको सुख देगी, और उसको देने के लिए आपने युवाओं को प्रोत्साहित करना, जागरूक करना है। तो हमारा काम न केवल युवाओं को जागरूक करना है, युवाओं के साथ मिलकर प्रकृति को पुनः स्थापित करना है, और जो अरबों रुपए का नुकसान होता है हर साल बाढ़ आने से, उसको भी रोकना है। मैंने आपको बाढ़ का एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन मूलतः देखेंगे जो ये टिम्बर माफिया है, ये जो जंगल कट रहे हैं, इसको भी रोकना है, और ये जो राजनेता और जो ये आपस में मिलकर काम करते हैं, इसके प्रति भी हमको, इसके प्रति भी एक प्रयास है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। हम साथ में तो कहीं ना कहीं वो चीज आगे बढ़ती है। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जंगल लगाने की शुरुआत आपने की, लेकिन दूसरी तरफ देखने में आता है कि वन विभाग जो है वो खुद ही अपने जंगलों की कटाई के लिए जिम्मेदार है। रेलवे को अपने जंगल बेच दिए जाते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए जंगल काट दिए जाते हैं, कभी कभी वन विभाग को ही पता नहीं होता है कि उनके जंगल कौन काट गया है। ऐसे में पौधे लगाने की जो शुरुआत है, क्या वन विभाग आपके सहयोग के लिए आगे आया है, या आप अपनी मर्जी से जो है जगह का चयन करते हैं और फिर वहां पर जंगलों का जिस तरह से पौधारोपण किया जाता है वो सब करते हैं? संक्षेप में देखिए, जो हम लोगों ने जगह का चयन करते हैं उसमें वन विभाग ने निश्चित रूप से हमें सहयोग प्रदान किया था। 2 जुलाई 2017 में जो हमने 10,000 पौधे लगाए थे वन विभाग की भूमि पर ही लगाए थे, और उसका सार्थक परिणाम यह है कि वो आज 1 साल 5 महीने के अंदर 10 से 30 फीट तक की ऊंचाई के हो गए। हम ये कहते हैं कि आदर्श मॉडल जो हमने पैदा किया है, ये वन विभाग उसको स्वीकार्यता दे और उस पर अमल करते हुए पूरे देश में सैकड़ों जंगल पैदा करे। इसमें यूथ बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग करता है, पर अगर आप उसके परिणाम अगर उसको नहीं दिखाएंगे कि 1 साल पहले जो तूने हमारे साथ मदद की थी, सहयोग किया था पौधा लगाने में, वो कहां खड़ा है, तो हम टेस्टिमोनियल जो उन्होंने एक लगाया, सहयोग किया, और उसको जब दिखाते हैं कि इतना विशाल हो गया है, तो उसका मन भी गदगद होता है और नया सहयोग करने के लिए भी वो तत्पर रहता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आप दे पाए आपके कर्मों का, आपके किए गए कामों का, तो आपको लोग सहयोग भी करते हैं। सरकारें करें या ना करें, क्योंकि उनकी एक तरीका है काम करने का, और जो भ्रष्टाचार का दंश ये देश दे रहा है उससे ये विभाग भी अछूता नहीं है। इस पर मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, उस जग जाहिर है, पर अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो जिस ग्लोबल वार्मिंग की बात पूरा विश्व कर रहा है, दूसरी जगह क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन भारत देश इससे अछूता रहेगा और यहां ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट कम आएगा। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि यूथ को लेकर आप काम कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामियां हमेशा से सामने आती रही हैं। निश्चित रूप से आपने भी देखा होगा तमाम सारे युवा आज रोजगार को लेकर जिस तरह परेशान हो रहे हैं। सरकार की ये विषय प्रासंगिक नहीं है, लेकिन पूछना चाहूंगा कि राजनीति का कितना जो है ये फेल्योर मानते हैं आप, कि आज युवा जो है वो रोजगार के लिए भटक रहा है, जो देश है वो अस्थिरता की ओर जा रहा है, और तमाम सारे छोटे छोटे मुद्दे, चाहे हम अभी जो हाल ही में SC/ST एक्ट को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन उसकी बात करें, या सरकार के दूसरे इनिशिएटिव्स जो सरकार ने दावे किए थे, नोटबंदी की थी उसके बाद फेल्योर सामने आया, रोजगार दे नहीं पाए, 2 लाख रोजगार की बात हुई थी, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो किस ओर जा रही है और उसमें किस तरह से बदलाव, क्योंकि आपका जो प्रयास है कहीं ना कहीं राजनीतिक में बदलाव के लिए है, तो वो किस तरह से होना चाहिए? आज की जो राजनीतिक परिस्थिति हमारे देश में है वो अंग्रेजों की ही देन है, डिवाइड एंड रूल। कारण आप कोई भी उठा लीजिए, जब तक मैं समाज को विभाजित नहीं करूंगा
मैं सत्ता पे काबिज नहीं हो पाऊंगा। सत्ता पे काबिज होने के लिए जिस समाज को मुझको तोड़ना है, खंड खंड करना है, उस समाज में भले आप शिक्षा दे दो लेकिन उनको सेल्फ रिलायंट या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मत दो कि अगर आपने उनको दे दी तो फिर वो मेरे लिए काम नहीं करेंगे। अगर मैंने देश के युवा को रोजगार दे दिया, उसको इकोनॉमिकली एम्पावर कर दिया और कल को मुझे कहीं किसी शहर में दंगे करने हैं तो मुझे युवा कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जो युवा सिक्योर हो गया, स्वावलंबी हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, वो तो दंगे के लिए आएगा नहीं। तो युवाओं को शिक्षा तो दे दो मगर उसको रोजगार के अवसर मत दो। ये पॉलिसी हमारे राजनेताओं की चलती आएगी और चलती रहेगी जब तक कि हमारा वोटर, जो कि खास तौर पर जिसमें काफी बहुत संख्या में युवा खुद है, वो ये ना समझे। से अभी मेरे मित्र से यहाँ स्टूडियो से यहाँ से पहले हम जब बात कर रहे थे कि हर कोई राजनीति को दोष देता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राजनीति को दोष मत दो। राजनीति एक बहुत अच्छी चीज है, राजनीति करके ही आप विकास कर सकते हैं, लेकिन राजनीति जो इस वक्त जिस फटे हाल, बुरे हाल या गंदगी के दौर से गुजर रही है उसको साफ करो, उसको सुधारो, सही विकास, इसमें अच्छे लोग लाओ। राजनीति एक अच्छी चीज है क्योंकि राजनीति से आप एक गवर्निंग सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो युवा जिसको रोजगार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं आजकल के राजनेताओं द्वारा, तो इन राजनेताओं को आप बदलो। जो राजनीतिक स्थिरता आएगी, जो मैंने आपसे कहा शिक्षा से राजनीतिक स्थिरता का सफर में आपने अच्छे अच्छे लोग चुनने हैं, तो राजनीति को दोष मत दो, वोटर को दोष दो कि वोटर शिक्षित होने के बावजूद भी ये नहीं समझ पाता है कि मुझे किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है। तो उसमें मेरे को एक मित्र और मिले, उन्होंने कहा कि भाई वोटर को क्यों दोष दे, उसके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ए को डालेगा वो भी वही उसी थाली का चट्टा बट्टा है, बी को डालेगा वो भी उसी का है, तो सी तो आता नहीं है। तो वोटर को भी दोष देना है कि वो ना तो ए बी के बाद सी का भी विकल्प लाए पहले, और फिर जब सी आ जाए तो सही आदमी को वोट दे। बिल्कुल, इससे बदलाव आएगा। बिल्कुल शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते कि जो देश का युवा है, खासकर जहां हम लोग रहते हैं और जहां पर आपका ये प्रकल्प चल रहा है, उन युवाओं से किस तरह की अपील रहेगी और आपका जो प्रकल्प है इससे वो जुड़ें या अपने क्षेत्र में जो जहां है वहां पर इस तरह की पहल को आगे बढ़ाएं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए संघर्ष भी होता है और संकल्प भी होता है। कोई भी काम जब अगर हम करते हैं तो अगर उसको हम मजबूरी समझते हैं, पैशन समझते हैं, तो दिक्कत आती है। लेकिन जब संघर्ष करते हैं, उसको हर्ष के साथ जीते हैं, आनंद के साथ करते हैं, तो उसके परिणाम भी वैसे ही आते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, युवा क्या विकृत मानसिकता से अगर वो अपने आप को बचा ले, बिकने वाले जहर जो शहर के अंदर कोने कोने गली गुचे में सरकार अपने रेवेन्यू के नाम पर लगा के बैठी हुई है, उससे अपने आप को उन शराब खानों से बचा ले, फुड़त्ता से बचा ले, माँ बाप परिवार की इज्जत, उनके प्रति आदर सम्मान करना सीख जाए और मुसीबत के वक्त में अपने परिवार, अपने भाई, अपने दोस्त के साथ खड़ा होना सीख जाए, तो निश्चित रूप से जो शिक्षा है, मेरी बात युवाओं के बारे में बड़ी बड़ी चर्चाओं के दौरान जब बात होती है तो मैं जब वो उन विषयों पर बात करते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि क्या हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे उनकी कोई मॉरल वैल्यूज अपलिफ्ट हो? जब तक आदमी के अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, तो उससे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा भाव रखना बेकार है। लेकिन अगर उसके मनोमस्तिष्क में एक संपूर्ण आय देश के प्रति, वो विचारों से ही आएगा, तो ऐसे विचार प्रतिपादित उसकी शिक्षा के दौरान हो तो देश, ये राष्ट्र भारत पूरे देश में, पूरे विश्व
फिर से विश्वगुरु की तरह विश्वगुरु के रूप में नजर आएगा। और विश्वगुरु क्यों चला गया इसको सोचने की बात है। क्यों ऐसा हो गया कि हम विश्वगुरु थे और अब नहीं है, और फिर हम बात करेंगे विश्वगुरु बनेंगे, तो विश्वगुरु बने तो क्या छूट गया है, क्या क्या गलतियां गलतियां क्या, हमने की हैं, उसको हम पकड़ें, उसको अगर हम पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र पूर्ण रूप से समृद्ध होगा। और इस समृद्धि में ग्रेट के माध्यम से, टीग्रो के माध्यम से उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनके जीवन में नया संचार करने, ऊर्जा उनकी जो है उसको सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए अगर हम लगेंगे तो इस देश में जो आंतरिक आतंकवाद है, बाहरी आतंकवाद है, वो रुकेगा और एक नया कश्मीर बनने से बचेगा। बिल्कुल सही। तो ये आज का कश्मीर, कल का कश्मीर, कल का कश्मीर तो बनना चाहिए। हाँ, जो वो स्वर्ग था, वो स्वर्ग था, वो तो बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, लेकिन आज का कश्मीर नहीं बनना चाहिए। पत्थरबाज युवाओं की फौज किसी को भी पसंद नहीं है, तो ये पत्थरबाजों की फौज इस देश के कहीं और न पैदा हो, इसके लिए लोगों को नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। और हम और ग्रेट टीग्रो और ग्रेट मिलकर इस देश की परम समृद्धि के लिए प्रयास करते रहेंगे, यही हमारा मनोभाव है। बिल्कुल। तो ये थे सतीश शर्मा और डॉक्टर राजेश भट्ट, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने विचार रखे। और जिस तरह की ये चर्चा है, निश्चित रूप से समय की पाबंदियां हैं, अन्यथा विषय और भी हैं, लेकिन इस अभी तक की चर्चा में जो विषय निकल कर सामने आए हैं, उससे बस यही उम्मीद की जा सकती है कि युवाओं के लिए और पर्यावरण के लिए जिस तरह का प्रयास इनकी संस्थाएँ कर रही हैं, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसके परिणाम परिलक्षित होंगे और देश को फिर से हम एक हरा भरा समृद्ध भारत, विश्वगुरु भारत और युवाओं का भारत बनाने के लिए फिर से एक सफलता के मार्ग पर इसे चलते हुए देखेंगे। बहरहाल इस खास चर्चा में इतना ही, और अधिक खबरों के लिए आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।